السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين अल्लाह पाक ने कुरान हकीम के अंदर मुख्तलिफ जगह पर जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फराइज का जिक्र किया है, उन जिम्मेदारियों का जिक्र किया है जो देकर अल्लाह पाक ने आ जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था और आपने उसे कमा हक्कहु अदा कर दिया और उसकी अदायगी पर सहाबा से तस्दीक करवा ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी जब वो बैतुल्ला शरीफ की तामीर कर रहे थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे, तो दोनों ने मिलकर एक दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह पाक इनमें एक ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो औलाद इब्राहिम से हो और फिर औलाद इस्माईल में से हो, इन दोनों में से हो। थे तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, लेकिन चूंकि ये दोनों दुआ मांग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों के औलाद में से होना चाहिए। हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में से लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में बनी इसराइल में हो जाए, ऐसा नहीं, वो होगा लाजमन इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में।
काम क्या करे वो, यतलु अलैहिम आयातिक, तेरी आयात इन पर तलावत करे, जैसे नाजुल हुई है ऐसे पढ़ के सुनाए, ये कुरान पढ़ना होगी। फिर वयुअल्लिमुहुम अलकिताब वल हिक्मा, अब किताब से मुराद अलफ ज़बर बे ज़बर बा नहीं है, अरबों को इसकी जरूरत नहीं थी, इससे मुराद है अल किताब से अल्लाह के अहकामात, किताबुल्लाह अलैकुम, अल्लाह का ये हुक्म तुम्हारे जिम्मे है, ये फर्ज है अल्लाह की तरफ से तुम, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर फर्ज किया गया क़िसास, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर फर्ज किए गए हैं रोजे। तो ये कुतिबा और किताब जब आता है इन मानों में, यतलु अलैहिम आयातिही तो हो गया कुरान हकीम की तिलावत। फिर कवानीन और उन कवानीन पर अमल की हिकमत, किसान जब काम करता रहता तो उसे अंदाजा हो जाता कि इस किस्म के वत्तर में मैंने बीज बोना है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसका तजर्बा ही उस चीज का शाहिद होता है, वो करके दिखा सकता है। ड्राइवर जब यह कहता है कि मैं गाड़ी यहां से निकाल सकता हूं तो वो निकाल के दिखा सकता है, आपको लिख के नहीं दे सकता कि कैसे निकालूंगा मैं। इसका नाम होता है एक्सपीरियंस, जो लिखने में नहीं आता, जो इंसान की जात के अंदर होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत आयात के जरिए और अहकामात जो अल्लाह पाक के हैं और फिर उन पे अमल करने की जो तरीकाकार है, और ये किताब और हिकमत दोनों अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल शुदा है। वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमता वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह पाक ने आप पर नाजिल किया है किताब भी और हिकमत भी, और आपको वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। और सहाबा से फरमाया वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, ये रसूल तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम नहीं थे जानते। अल्लाह ने रसूल को वो सिखाया जो रसूल नहीं थे जानते, रसूल तुम्हें वो सिखा रहे हैं जो तुम नहीं थे जानते। लम तकूनू तालमून, इसी तरह फिर सूरह बकरा में ही आगे चल के फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, जैसा कि हमने तुम्हारे अंदर रसूल तुम्ही में से मबऊस किया है, भेजा है, यतलू अलैकुम आयातिना, वो तुम्हारे ऊपर हमारी आयात पढ़ता है, कुरान की तिलावत होगी, वायु जक्कीकुम और तुम्हारा तजकिया करता है। तजकिया ये है कि वो जो पहली चीजें हमारे अंदर इंस्टॉल्ड हैं, हमारी हार्ड डिस्क भरी हुई है, कुछ अम्मा ने डाली हैं, कुछ दादा ने डाली हैं, कुछ नानी कहानियां सुनाती रही है, कुछ हमने हिंदुओं के जुलूस देखे हैं, वो सारी चीजें जाया नहीं हुई, वो महफूज हैं। तो तज़किये का मतलब यह सफाई का कि वो पहले तमाम रस्म व रवाज फॉर्मेट कर दिए तिलावत आयात से। वो जो आप देखते हैं ना डीमैग्नेटाइज करते हैं कैसेट को, एक आला होता है तो उसको ऐसे करके कैसेट को निकालते हैं, डेढ़ घंटे की कैसेट जो है वो साफ हो जाती है, एक दफा ऐसे करके ए साइड, एक दफा ऐसे करके निकालते हैं बी साइड साफ हो। बंदे को अल फातिहा से गुसाते हैं, जब वो अन्नास से निकलता है तो फॉर्मेट हो चुका होता है। ये जो एयरबेस है हमारा एयरफोर्स का, इसमें एक सूडानी काम करता था, टेक्नीशियन था, उसके साथ एक पाकिस्तानी काम करता था, अरबी जुबान उसे इतनी आती नहीं थी लेकिन काम चला लेता था। उसने उस सूडानी को समझाया कि तुम्हें पता है अल्लाह पाक ने ये कलाम क्यों नाजिल किया है? उसने कहा क्यों नाजिल किया है? तुम्हें कैसे पता, तुम अजमी हो। उसने कहा सुनो, कुरान की पहली सूरत कौन सी है? अल बकरा। सूरह फातिहा जो है वो अल फातिहातुल किताब है, वो पूरी किताब की
मां है, उम्मुल किताब है। पहले यह पढ़ी जाती है, फिर कुरान की हर सूरत पढ़ी जाती है। यह हर सूरत का दिबाचा है। तो पहली सूरत क्या है? उसने कहा बकरा। उसने कहा आखिरी सूरत क्या है? उसने कहा अन्नास। उसने कहा इसका मतलब समझे हो? उसने कहा नहीं समझा। उसने कहा इसका मतलब यह है कि तुम पहले बगर थे, बगर जानवर थे तुम। पूरा कुरान तुम्हारे अंदर जाएगा या तुम इसके अंदर जाओगे तो अन्नास से बाहर निकलोगे तो इंसान बन जाओ। युजक्की हिम, तज़किया करते थे वो। पहले क्या गंद बला भरा हुआ है भाई, इसको फॉर्मेट करना है। ये साथ साथ नहीं चलते कि 40 साल तो हमने रस्मों रिवाज के साथ लात मन्नात उज़ा के साथ गुजार दिए हैं, लक्ष्मी दुर्गा और काली माता के साथ गुजार दिए हैं, बाकी 20 साल हम इसके साथ भी गुजार देंगे ला इलाहा के साथ। कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये दोनों एक डिस्क पे नहीं आ सकते। वो पहले वाला साफ करो, इस ला के साथ, जिस कलमे की इब्तदा ही ला के साथ होती है कि हर चीज की पहले नफी करो, फॉर्मेट करो, फिर इल्ला के बाद। आप जब कोई चीज रिकॉर्ड करने लगते हैं तो वो कमांड आती है थोड़ी देर के लिए कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको स्कैन कर रहे हैं डिस्क को, कि ये इस काबिल है कि आप वाली चीज इस पे रिकॉर्ड की जा सके या नहीं। तो वो इल्ला जो है वो स्कैन करता है और अल्लाह को इंस्टॉल करता है। इल्ला के दरवाजे से अल्लाह आता है। तज़किया किया, वयुअल्लिमुकुम मा लम त वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। फिर आले इमरान में एहसान जतलाया, लकद मन अल्लाह अलल मुमिनीन इज़बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन। फिर सूरह अल जुमा में इसको फिर दोहराया, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफी दलाल मुबीन। यह किताब व हिकमत का जोड़ा आपको हर जगह नजर आएगा कि अहकामात जो है यह किसी हिकमत और तरीकेकार के तहत जारी होते हैं। और वो हिकमत भी साथ इंस्टॉल करनी है। आप लाके हार्ड डिस्क जो है वो इंस्टॉल कर दे, उसके ड्राइवर्स कोई ना हो तो फायदा कोई नहीं। उसके साथ एक सीडी भी मिलती है, वो कहते हैं सीडी डालो। इस किताब के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो सीडी के तौर पे आपके मिली है, प्रोडक्ट के साथ जो सीडी आती है। सारे ड्राइवर्स इस सुन्नत के अंदर हैं। ये नहीं है तो कुरान हकीम का तुम्हें फायदा, तुम तो नमाज नहीं पढ़ सकते, उसका कोई तरीका लिखा हुआ है वहां? वो सीडी में है, वो उस सुन्नत में है जिसे हिकमत कहा गया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच बदली की सहाबा की, और चूंकि ये जो हमारे आजा और जवारे हैं ये सोच के ताबे होते हैं। हमारा मामला तो ये है कि जब हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं या कोई ड्राइवर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस प्रोग्राम टू मेक चेंजेस ऑन योर कंप्यूटर आर योर हार्ड डिस्क। तो हम यस कहेंगे तो इंस्टॉल होगा। बंदा ताजा ताजा फॉर्मेट करके विंडोज 7 इंस्टॉल करवा के लाया था। अब जब वो कोई चीज इंस्टॉल करना चाहता था तो वही कमांड आती थी, वही उससे पूछता था वो
एक तो स्क्रीन बिल्कुल स्याह हो जाती थी, बड़ी खौफनाक सूरत हाल, और एक इतनी बड़ी जनाब वाली वो वार्निंग आ जाती थी कि डू यू वांट टू अलाउ दिस प्रोग्राम टू मेक चेंजेस ऑन योर कंप्यूटर। वो डर के कहता था नो, अभी ताजा ताजा इंस्टॉल करवा के लाए, पता नहीं अंदर जाके क्या कर दे। फिर उसने बेटे को बुलाया कि यार ये जो है ये इंस्टॉल नहीं हो रही फलां चीज। तो बेटे ने कहा कि ये जो कमांड है इसको आप गेस करेंगे तो वो चेंजेस करेगा तो इंस्टॉल होगी ना आपकी हार्ड डिस्क पे। कुरान हकीम हमसे पूछता है डू यू वांट टू अलाउ दिस कुरान टू मेक चेंजेस ऑन योर हार्ड डिस्क। और हम कहते हो ना ना पता नहीं अंदर जाके क्या तबाही मचा दे, मेरी तजारत सारी, लेन देन, रिश्तेदारों के सारे रिश्तेदारियां, रस्म और रवाज, ये सारा, ये तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जस्ट रीड मी, पढ़ने से सवाब मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। एक हर्फ पर 10 नेकियां तो बस काफी नहीं है, हमें चाहिए क्या दुनिया में? हम सवाब ही कमाने आए हैं, अजाब तो हमने सोसाइटी को बना के रखा हुआ है। और भाई साहब सवाब का रिजल्ट कयामत के दिन निकलेगा, मुआशरा तब्दील कभी भी नहीं होगा। 7 अरब इंसान कुरान पढ़ना शुरू कर देना, इससे मुआशरे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। चोर चोरी करता रहेगा, डाकू डाके डालता रहेगा, मिलावट वाला मिलावट करता रहेगा, कातिल कत्ल करता रहेगा, सोसाइटी तो जहन्नम बनी रहेगी। तुम सवाब कमा रहे हो और वहां जाके तुमने सवाब को करना क्या है? ये तो भेजा गया था जिंदों के लिए, ले युंदेरा मन कान हयन, हमने इसको बना दिया है मुर्दों के लिए। सहाबा ने अपने आप को पेश कर दिया था और जब उनसे पूछा गया था कि डू यू वांट टू अलाउ दिस प्रोग्राम, उन्होंने कहा था यस, और वो बदली हो गए। कैसे बदली हुए, किस मुकाम पे पहुंचे, इसका जायजा माज लेंगे। और हम कहते हैं नो, लिहाजा हाजी भी ज्यादा होते जा रहे हैं, हरम की मंजिलों पे मंजिलें तामीर हो गई हैं, मुसीबत पड़ी हुई है सऊदीया को, पुराना पूरा मक्का उन्हें मिटा के जनाब अली मैदान बनाना पड़ रहा है, शैतान को कंकरियां मारने के लिए 5-5, 7-7 ट्रैक के जनाब अली को 3-4 पुल उन्होंने बना दिए हैं, इतने दूर से हम जाते हैं शैतान को मारने के लिए, हमारे अंदर बैठा हुआ है आंसर है। वो तो उसका शॉर्टकट है, फाइल तो तुम्हारे अपने अंदर रखी हुई है। तो नमाजी मस्जिदों में बढ़ रहे हैं और इंसान घटते जा रहे हैं। जब तक हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर कुरान के सामने पेश नहीं करेंगे, इसकी भट्टी में हर चीज नहीं डालेंगे, हम सोना बन के नहीं निकलेंगे और खोट हमारे अंदर मौजूद रहेगा। इसमें जो भी नुकसान होगा, सुनार तो यह कहता है कि वो जो कचरा निकलेगा आपके सोने में से उसके पैसे नहीं देगा, जो खालस निकलेगा उसके देगा। अल्लाह पाक फरमाता जो तुम्हारा खोट है वो भी अगर तुम सक्रीफाई कर दोगे मैं तुम्हें उसका भी अजर दूंगा। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह पाक उनकी बदियों को नेकियों में तब्दील कर देगी। तुम जिंदगी भर सजदे करते रहे दुर्गा देवी को और फिर तुमने अल्लाह को चुन लिया, वो सारे सजदे अल्लाह पाक अपने अकाउंट में डाल देगा। बद्दलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है, वो चमड़ी उतारने वाला बहाने नहीं ढूंढता। वो जिस तरह तासुब होता है ना किसी के साथ तो बंदा बहाना ढूंढता है उसको जलील करने का, कहा तुम अगर अपने गुनाह से पर्दा ना उठाओ, दुनिया में किसी से जिक्र ना करो, मैं कसम खा के कहता हूं कि हशर में मैं तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा, पर्दा डाल दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों पर कसम खाई और फिर फरमाया मैं चौथी बात पर भी कसम खाऊं तो यह झूठ ना होगा कि जिस शख्स के ऐब अल्लाह पाक ने दुनिया में छुपा लिए वो आखरत में उनको जाहिर नहीं करेगा, उसे रुसवा नहीं करेगा। यानी एक तो तुम बदी करते हो, फिर तुम दोस्तों में बैठ के उसको डिस्कस करते हो, कुछ लोगों को इंस्पायर करते हो, तुम मजीद बदी के लिए अपना गवाह बना लेते हो।
तो जब तक हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर कुरान के हवाले नहीं करेंगे और सारी फाइलों समेत तुम चाहो तो मेरे शबो रोज बदली कर दो, उठने बैठने के मेरे आदाब बदली कर दो, खाने पीने का मेरा मेनू बदली कर दो, तुम मेरे रस्म और रवाज, ये मेले ठेले हैं जो चाहो तुम साफ कर दो, जो तुम्हें अपने खिलाफ नजर आता है उसे साफ कर दो, लेकिन हम कुछ फाइलें बचा लेते हैं, वो हम डी डिस्क में डाल के रखते हैं, सी को फॉर्मेट करवा लेते हैं। हम मस्जिद में आते हैं कुछ और होते हैं, मस्जिद से निकलते हैं तो दोबारा फिर मैक्सिमाइज कर लेते हैं, आप कोई चीज हमारी जाया नहीं होती नमाज पढ़ते हुए। लिहाजा कुछ लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो जैसे आते थे वैसे ही निकल जाते थे। अच्छा, सहाबा जब आते थे तो उनका तजकिया हो जाता था, कोई नई चीजें डाल दी जाती थी उनके बारे में, फरमाया वहुम कद खरजू वकद दखलू बिलकुफ्र वहुम कद खरजू बे, नबी ये कुफर लेकर आए थे और कुफरी लेकर गए। वहुम दखलू बिलकुफ्र वकद खरजू बे, कुफर लेकर आए थे कुफर लेकर गए। अब बढ़ गया है, बंदा जब तक घर होता है ना तो उम्मीद होती है अस्पताल ले जाएंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, जब अस्पताल वाले फारग कर देना कि बंदा ला इलाज हो गया है तो उसका मतलब है बीमारी अब बढ़ गई है। सहाबा जो थे वो, अच्छा ये भी होता था कि बाज दफा जब कुरान की आयात नाजिल होती थी, वहजा मा उनजिलत सूरत फमिनहुम मन यकूल अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, तो ये जो मुनाफिक लोग होते थे ये दूसरों से कहते थे कि ये जो अभी आज 10 आयतें नाजिल हुई और हम सुनकर आए हैं, तो तमस्कर करते थे नब्ज पे हाथ रख के कि मैं यार देखूं किसका ईमान बड़ा है। अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, इधर आओ तुम, फिर दूसरे को इधर आओ, भाई तुम, लगता है तुम्हारी थोड़ी सी धड़कन तेज हुई है, तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा हो गया कुछ, ये तमस्कुर करते थे। अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, इन आयतों ने तुम में से किसका ईमान बढ़ाया है। अल्लज़ीना आमनु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह पाक ने फरमाया जिनके पास ईमान था उनका बढ़ गया है। और जिनके सीने में निफाक था, फी कुलूबे मरदुन फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, इन आयतों ने उनकी गंदगी में मजीद अजाफा कर दिया। तो सहाबा ने अपने आप को पेश कर दिया और जिस जिस चीज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रास लगाया उन्होंने चाहे वो कितनी कीमती थी उठा के फेंक दी। एक सहाबी आए हैं सोने की, उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से उसको उतार के फेंक दिया। मजलिस बर्खास्त हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में चले गए, मजमा बर्खास्त हुआ, अंगूठी वहीं पड़ी हुई है, किसी ने उस बंदे से कहा कि आप अंगूठी उठा लें और पहने नहीं खवातीन को दे दें। कहा अल्लाह की कसम जिस चीज को मेरे नबी के हाथों ने फेंक दिया मा आना अहमिलो, मेरे हाथ उसको नहीं उठा सकते। ये थी उनकी तब्दीली की वजह। यार उसी भट्टी में पहली साफ में अब्दुल्ला इब्ने उबई भी तो खड़ा होता था, उसको आज तक कोई सहाबी कहता है? गजवात में भी जाता रहा है, धक्के की नमाज भी पढ़ता था, धक्के की जकात भी देता था, कोई बंदा उसको सहाबी कहने के लिए तैयार है?
सोहबत की सारी शरायत उसके अंदर मौजूद होने के बावजूद, चूंकि उसे मेरे नबी की सुन्नत से प्यार नहीं था, नबी की अतात का जज्बा नहीं था, सियासी मुफाद के लिए अतात करता था, लिहाजा उसे ना ईमान नसीब हुआ ना सोहबत नसीब हुई। तो सोच बदली की जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सोच जब बदली हो गई तो उस सोच के पहले जो फौरी तौर पर, जैसे हमारा होता है चीफ, फिर उसके नीचे कोर कमांडर्स होते हैं, इस सोच के कोर कमांडर्स जो हैं ये हाथ पांव जुबान आंखें कान हैं, इन्हीं से वो बाकी सारे डाके मारता है। सोच उसे आमादा करती है, प्लानिंग बताती है, एनिमेशन दिखाती है बैरिया टाउन की, फिर हाथ रिश्वत लेता है। सोच बदली हो गई, एक पीर साहब जा रहे थे अपने मुरीद के साथ, रस्ते में नदी आ गई। अब नदी से पार जाना था, वहां कोई खातून खड़ी थी, उसने भी पार जाना था लेकिन पानी ज्यादा था और वो डर रही थी, तो पीर साहब ने उसे उठाया और नदी पार करवा दी, वो चली गई। अब ये जो मुरीद था, इसका विंडोज हमारे मौलवियों वाला था। आग लग गई जहाज में जब फिलिस्तीनियों ने कराची हमला किया, उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया था, तो बिल्किस एदी जो है अब्दुस्तार एदी की जो वाइफ है, वो मरीजों को सहारा दे के, मर्द मरीजों को सहारा दे के हाथ से पकड़ के साथ तो लेके आ रही थी। दूसरे दिन के सारे अखबार फतवों से भरे हुए कि इसे तौबा करना चाहिए और इसने ये गलत काम किया और ना महरम को जो है वो, हालांकि फिका में ये मौजूद है कि हंगामी हालात में इसकी इजाजत है, अगर कोई औरत मर रही है और कोई मर्द वहां मौजूद है और वो सांस दे के उसकी जिंदगी बचा सकता है तो उसके मुंह पे मुंह रख के वो उसको सांस दे सकता है। मुरीद को यह बात बड़ी बुरी लगी, वो चुप हो गया। जब काफी देर चले और पीर साहब ने देखा, पीर थे, उसे पता था कि भाई ये स्टूडेंट किस मुकाम पे है, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हुई हुई है? कहने लगा, हजरत जी आपने सारी जिंदगी हमें सबक दिया कि औरत को जो है वो करीब नहीं आने देना और औरत के करीब नहीं जाना और औरत से ना महरम से परहेज करना है, तो ये आपने उसको उठा के नदी के पार पर चढ़ा दिया औरत को। पीर ने कहा, देखो मैंने जरूरत के तहत, एक शर्त होगी, थोड़ी देर के लिए, दूसरी बात होगी, हाथों पर उठाकर उसको दरिया पार करा दी। ये जरूरत थी, वो वहां अकेली रहती, कोई उसकी असमत लूटने वाला भी आ सकता था वहां पे, कोई दरिंदा भी खाने आ सकता था उसको, उसकी जान भी जा सकती थी। जरूरत के तहत, फॉर द टाइम बीइंग, हाथों पर। आपने कहा, देखो तुमने बिला जरूरत, पहली शर्त की खिलाफ वर्जी है, तुमने बिला जरूरत इतनी देर से, फॉर द टाइम बीइंग नहीं, इतनी देर से उसे सर पे उठा रखा है, सोच में बचा तुमने उसको बैठा रखा है, और मैंने जो ममानियत की थी वो सोच की थी कि औरत को सोच के करीब मत आने दो, ना महरम को सोच के करीब मत आने दो, जब भी कमांड आए कि तुम इस ब्लूटूथ से लेना चाहते हो मैसेज तो तुम उसको रिजेक्ट कर दो, यस मत करो। मैंने सोच की बात की थी कि सोच में ना महरम को मत आने दो, और मैंने हाथों पे उठाया था, तुम सोच में उठाए बैठे हो उसको, और इतनी देर हो गई है तुम्हें उठाए हुए, मैंने तो झटपट काम खत्म कर दिया था और जितना जरूरत था उतना ही किया। तो सोच जो है
वो जब तब्दील होती है, सोच जब रब्बानी हो जाती है, क्या बात कुरान हकीम ने कही, वला यामुरकुम अन तत्ताखिज़ुल मलाइकता वन नबीयीन अरबाबा, तुम्हें मेरे नबी इसलिए ना तो नबी इसलिए गए थे, मा कान अल बशरिन अन युतियाहुल्लाहुल किताब वल हिकमा, अन युतियाहुल्लाहुल किताब वल हुकमा वन नबुवता सुम्मा यकूल लिन्नास कूनू इबादन ली। कोई नबी इसलिए नहीं आता कि अल्लाह पाक उसे किताब हिकमत और नबुवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि कूनू इबादन ली, बी माई स्लेव्स, वलाकिन कूनू रब्बानीयीन, वो ये कहता कि रब वाले हो जाओ, रब वाले हो जाओ, वो तुम्हें रब से जोड़ने आता है। वला यामुरकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबीयीन अरबाबा, और ना तुम्हें वो ये कहता है कि फरिश्तों को और नबियों को रब बना लो। अयामुरकुम बिल कुफ्र बाद इज अंतुम मुस्लिमून, क्या वो तुम्हें मुसलमान हो जाने के बाद कुफर का हुक्म देगा, और होगा भी अल्लाह का नबी, वो तो तुम्हें रब वाला बनाने आता है। अब ये रब वाला क्या है कि सोच रब वाली हो जाती है ना बंदे, सोच जब रब वाली हो जाती है तो बंदा हलाल हराम की फौरन तमीज कर लेता है, सुन्नत और बिदअत की उसे फौरन पता चल जाता है, तौहीद और शिर्क का उसे फौरन पता चल जाता है। ऊंट चराने वाले बदुओं को किसने फलसफे पढ़ाए थे, उनके अंदर एक चीज इंस्टॉल कर दी गई थी, वो सहरा में बैठे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा पूछने आते और आप फरमाते हैं इस्तफ्ते नफ्सक, अपने जमीर से अपने नफ्स से फतवा ले। हमने टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर दी, बाज मुल्क होते हैं ना कि टेक्नोलॉजी अपने पास रखते हैं, कहते नहीं जी हम सिर्फ बनाएंगे आप सिर्फ खरीदेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या, अल्लाह पाक ने फरमाया वह अल्लामा का मालम तकुन तालम, फरमाया वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी ट्रांसफर करते। वो हमारे यहां हिकमत इसीलिए खत्म हो गई है ना कि वो सीना बसीना रहती है, कंजूस होते हैं ये हकीम बड़े कि कहीं किसी गैर को ना पता चल जाए, सिर्फ अपने बेटे के कान में बताना कि पुत्र ये दवाई फलां मर्ज के लिए इस तरह बनाना, फलां बूटी ये काम करती है, ताकि बिजनेस हमारी फैमिली में रहे। उसकी बजाय डॉक्टर जो है वो फिर अच्छे, डॉक्टरों में भी बात हुआ जो गोलियां निकाल लेते हैं पत्ते में से, प्लास्टिक के उसमें डाल के देते हैं, या वो पीला जो लफाफा होता है हमारे यहां छोटा सा मिलता है उसमें डाल देते हैं कि आपको पता ना चले, ऐसा ना को आप इसके पास ना आए दोबारा, आप पैनाडोल खरीद के खा ही ना लें, पेन किलर ही होती है उसमें और क्या होता है। डॉक्टरों में भी कुछ कंजूस ऐसे हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फरमाया मेरे पास नहीं, मैंने वो सॉफ्टवेयर तेरे अंदर भी इंस्टॉल कर दिया, इस तफ्ते नफ्सक, अपनी जात से फतवा ले। तू सारे हालात से वाकिफ है, जब मौलवी को बताते हो तुम तो कुछ छुपा लेते हो कुछ जाहिर करते हो, लादा फतवा गलत हो जाता है। जमीर को चूंकि सब मालूम है, और फिर क्या फरमाया, फरमाया अगर तेरा जमीर कह देना कि यह बात गलत है, ये चीज हराम है, उसको मत कर, वलाओ युफ्ती का, वलाओ युफ्ती का, वलाओ युफ्ती का, अगरचे तुम्हें फतवा दिया जाए, मुफ्ती तुम्हें फतवा दे दे, तुम किसी से फतवा ले लो कि जायज है, तेरा जमीर जानता है कि वो हराम है, तो तेरा मुहासबा तेरे जमीर के इल्म के मुताबिक होगा, मौलवी के फतवे पे नहीं होगा, मौलवी को तुम चीट कर सकते हो। सोच रब्बानी कर दी, लिहाजा
रब की कराहत जो है वो अपने जमीर में महसूस करते थे। जितना रब किसी बुराई से कराहत करता था ना, वो उस बुराई से उसी दर्जे की कराहत करते थे, और जिस तरह रब को वो नाकाबले बर्दाश्त थी, वो भी उसे नाकाबले बर्दाश्त समझते थे और अपने आप को नबी के सामने पेश कर देते थे कि मैंने अपने आप को गंदा कर लिया, मुझे पाक करें। नबी के जमाने में पुलिस कोई नहीं होती थी, हुजूर सम्मन नहीं भेजा करते थे, आने वाले को भी अवॉइड करते थे कि वो इकरार करे, कहते थे जा तौबा कर, जा तौबा कर, अल्लाह पाक माफ करेगा। लेकिन वो चूंकि कराहत को महसूस कर रहा था, वो कहता नहीं नहीं मुझे पाक करें, मुझे पाक करें। चार बार इकरार करता, सजा मिलती है, सजा मिलती है तो मुजम्मत नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसकी तौबा मैं पूरी उम्मत पर बांट तू तो सबको बख्शा के ले जा, ऐसी सच्ची तौबा की है। हालांकि संसार होके मरा है, किसी के बारे में फरमाया इसने ऐसी तौबा की है कि मैं उम्मत के तमाम तहसीलदारों पर, जो माल जमा करते हैं और जार उसमें गड़बड़ भी करते हैं, तमाम तहसीलदारों पर भी तकसीम करूं तो सबको बख्शा के ले जाए। किसी के बारे में फरमाया ऐसी तौबा की है कि सारे मदीने पे तकसीम करूं सबको बख्शा के ले जाए। वो सामने पड़ा, वो पत्थर खा के मरा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बारे में कोई बुरा लफ्ज मत कहे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला के मुंह से निकल गया, जब पत्थर मारा तो उसका खून उछल के पड़ा इनके कपड़ों पे, तो इनके मुंह से उसके बारे में नाजैबा कलमात निकल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। मजलिस बर्खास्त हुई, हुजूर जा रहे थे, साथ खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। एक खड्डे में जहां लोग कचरा ला के फेंकते हैं, एक मुर्दार पड़ा हुआ था। आपने फरमाया कहां उस बंदे को, फला बंदा कहां है, कहा नीचे उतरो और इसमें से काट के खाओ कुछ। कहा अल्लाह के रसूल ये आराम है। फरमाया वो जो तू अपने भाई का गोश्त खा रहा था वो आराम नहीं है, वो जो कलमात तूने कहे थे, वो उस मरे हुए को जो तुम्हारे सामने मरा हुआ था उसका गोश्त ही तो काट के खा रहे थे तुम, वो हलाल था। नतीजा ये हुआ कि सहाबा ने अपनी हार्ड डिस्क में तब्दीलियां कबूल की और जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। आज हम रेफरेंस लेते हैं सहाबा का, हदीस हमें उनसे मिली, उनकी बुनियाद पर हदीसें कंपाइल की गई हैं। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को जिंदा करने वाला बना दिया। यह सोच की तब्दीली। हमारे यहां नमाजें भी हम पढ़ते रहते हैं, कुरान भी सवाब के लिए हम पढ़ते हैं, हम उस पर तदब्बर नहीं करते। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा। ये लोग कुरान पर तदब्बर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए। आपको पता है लॉक जो होता है वो जरूरी नहीं कि चाबी वाला लॉक हो, या जो साइकिल को लगाते हैं आप वो वाला लॉक हो, लॉक वो भी होता है जो आप कंप्यूटर लॉक करते हैं। इनके दिल लॉक हुए हुए, कुरान अंदर जाते ही नहीं। वरना हमें तकरीरें करने की जरूरत ना पड़े, घर घर कुरान पड़ा हुआ है, अगर इनकी सोच रब्बानी हो जाए तो इन्हें खुद पता चल जाए कि ये शिर्क है, ये बिदत है। जब इया का नाबुदो में कोई शरीक नहीं है तो इया का नस्ताइन में भी कोई शरीक नहीं है। और अगर तुम कहते हो कि इया का नस्ताइन में अंबिया और औलिया अल्लाह शरीक हैं, उनसे इस्तानत ली जा सकती है, तो फिर इया का नाबुदो में भी
अंबिया और औलिया शरीक हैं, उनकी भी इबादत की जा सकती है। यह सोच है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप सोच को समझें, इनकी नफ्सियात को समझें। जब दोनों जगह इया का है, इया का नाबुद हुआ, इया का नस्ताइन, तो इया का नस्ताइन में अगर मिन दून इल्ला शरीक हो सकता है अंबिया और औलिया की शक्ल में, तो इया का नाबुद में क्यों नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि हकीकत में सोचें तो ख्वाजा खुदा हैं, हमें उनकी चौकट के सजदे रवा हैं। पीछे देखें सॉफ्टवेयर क्या है। और ये जो तमाशा हमारे यहां शुरू हुआ ना, दीन के नाम पर बेदीनी और मजहबी जोशो खरोश के साथ दीन की बुनियादों पर वार, और ये पीछे नहीं आगे बढ़ेगा। और जिस तरह इस दफा पूजा की गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की, मसनूई रोजे की, और बैतुल्लाह की शबी की, और लोग चूम चूम के पागल होते रहे, रो रो के दुआएं मांगते रहे, आप बेफिक्र रहें। अगर अल्लाह ने जिंदगी दी ना, तो आइंदा अशरे के अंदर अंदर आप देखेंगे आपका हज उमरा पाकिस्तान में ही होगा। और ये मौलवी अभी तो लकड़ी के बनाता है ना, ये संगे मरमर के बना के पैसे लेके दीदार करवाया करेगा नबी के मसनू रोजे का। ये पेट का पुजारी, और लोग हैं बड़े खलूस से इनके पीछे लगे हुए हैं। देखें, खलूस अपनी जगह पे है, खलूस के साथ साथ रस्ते का तायुन भी जरूरी है। एक बंदा अगर दुबई जाना चाहता है और पूरे खलूस के साथ मुंह जो है वो सिला बॉर्डर की तरफ कर लेता है और ठीक स्पीड के साथ चलता है, तो दुबई तो नहीं पहुंचेगा। खलूस उसे दुबई नहीं ले जाएगा। वो सिला जा सकता है, तरीफ जा सकता है, वो हफूफ जा सकता है, रियाज जा सकता है, दुबई नहीं जा सकता। खलूस के साथ हदायत की भी जरूरत है, तायुन होना चाहिए खलूस के साथ। तुम कर क्या रहे हो? ये जो तवाइफे होती हैं, ये भी बड़े खलूस के साथ दुआ करके जाती हैं। और बीबी पाक दामना के जो वो मस्जिद है, उसमें उसका मजार भी है। ये एक तवाइफ थी जिसने तौबा कर ली थी और मस्जिद में वो दफन की गई थी। तो ये सुबह जब निकलती हैं रात को, तो वहां जाके कोई नजर न्याज दे के निकलती हैं कि अल्लाह बरकत डाले, कोई बड़ा ही गाक फंसे, मतलब पैसे वाला। बड़े खलूस के साथ वो भी बुराई करती। मैं एक तवाइफ का इंटरव्यू सुन रहा था, टीवी वाले ले रहे थे उससे, तो कह रहे, नहीं जी, हम भी अल्लाह को मानते हैं, दुआएं करते हैं हम, अल्लाह पाक हमारी कमाई में बरकत डाले, अल्लाह पाक जो है वो हम जिस काम में हैं उसको बढ़ाए, अल्लाह पाक हमारी जो औलाद हो जाती है उसको कोई तालीम वगैरह का सिलसिला हो जाए, इसका कहीं बड़ा अफसर लग जाए। बार बच्चे भी छोटे छोटे खेल रहे थे जिनके बाप कोई नहीं थे। खलूस, आप क्या समझते हैं बुजाल के खलूस में कोई कमी थी? जो बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ पकड़ के रो रो के दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक जो हक पा रहा है उसे फतह अता फरमा, वो कितना अपने आप को हक पर समझ रहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत समझ रहा था कि इन्होंने फिरकाबाजी आके शुरू कर दी है। उसने दुआ मांगी, अल्लाह हम अच्छे भले एक थे, तेरे घर की पूजा करते थे, इबादत करते थे, तवाफ करते थे, इस बंदे ने आके एक ऐसा शोशा छोड़ा है, शौहर को बीवी से लड़ा दिया, बेटे को बाप से लड़ा दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, इसने बरादरी का न सत्यानाश करके रख दी। ऐ अल्लाह जो हक पर है उसे फतह अता फरमा। गजवा बदर से निकलने के पहले की बात है, जब गजवा बदर में इनका कला कमा हो गया, 70 सरदार मारे गए, 70 कैदी हो गए, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इन तस्तफ्तिहू फकद जाअकुमुल फतह। तुम मेरा दर पकड़ के रो रो के मांग के आए थे ना, ये बात कि जो हक पर है उसे फतह हो, फकद जाअकुमुल फतह, तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुली, मोहम्मद को फतह मिल गई है, ये हक पर है। फिर यह कि अगर यह कल्चर हो, अब देखें यह आई, यानी शायद नई नस्ल को पता ना हो, लेकिन जो हमारे यहां हिंदुओं में रहने वाले लोग, एक तो यह बड़ा मसला हो गया कि जब हम सारे मुसलमान सोसाइटी होते हैं ना, तो हमें यह पता नहीं चलता कि यह चीज हमारे अंदर आई कहां से। कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई चीज होती नहीं ना। हमारे यहां पता आपको कि खत्म शरीफ कहने से पहले जुमरात वाले दिन पोचा देते थे ना गाय की गोबर का,
मिक्स करके नया पोचा देना, आज खत्म शरीफ है। उस पोचे में गोबर इसलिए डालते थे कि हिंदू अपने यहां जब खत्म कराते थे ना, तो वो चूंकि वो उनकी गाय माता उनकी देवी है, वो उसका गोबर तकद्दस के लिए इस्तेमाल करते थे। हम मुसलमान सारे पोचा देते थे गोबर का कि खत्म से पहले देना चाहिए, ये नहीं पता कि क्यों। उनके यहां जो देवी देवताओं का वो जुलूस निकालते थे, देखिए उनके यहां हलाल और हराम उनके देवताओं से मंसूब नहीं है, कोई कानून साजी नहीं कि गांव माता ने यह कहा कि तुम व्रत रखा करो, गांव माता ने तुम्हें यह कहा कि, गांव माता तुम्हें क्या कहेगी, वो तो बेचारी खुद मजबूर है, जो मर्जी है बैरे ले आओ तुम, वो तुम्हें क्या रोकेगी, ना वो बदकारी से रोकती है ना कुछ। तो उसकी पूजा आप कैसे करेंगे, आप अकवाले जर्री गांव माता तो नहीं लिख सकते ना कि गांव माता ने यह कहा, गांव आप क्या कर? वो गांव माता का मुजस्मा बनाते हैं खूबसूरत सा छोटा, उसको रखते हैं और फिर उसका जुलूस निकालते हैं, और साथ जिंदा गायें भी उनके साथ होती, जिंदा गायें भी जुलूस में चल रही होती। जब हनुमान जी का निकालते हैं, जब गणेश जी का निकालते हैं, साथ हाथी का स्टेचू होता है और हाथी का वो जुलूस होता है, हाथियों को उन्होंने हार डाल के, ये उसी की कापी है ना। जब हम जुलजना निकालते हैं, जब हम अब ऊंटनी निकालनी शुरू की हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये उनकी कापी है ना, गांव माता के जुलूस की और गणेश जी के जुलूस की। हमें ना पता हो, हिंदुओं को तो, हिंदू जो हिंदुओं में रहते हैं जो मुसलमान इंडिया में, उन्हें तो पता है कि बिल्कुल उसके मुशाबे है। अच्छा, अगर ये कल्चर हो, जलसे जुलूस मेले ठेले, अगर ये कल्चर हो तो शायद किसी हद तक काबले बर्दाश्त हो कि यार लोगों ने डिप्रेशन भी तो निकालना है ना अपने। लेकिन जब आप उसके साथ सवाब का दुम छल्ला जोड़ लेते हैं ना कि सवाब भी होता है, तो फिर ये बेदत बन जाती। सवाब के लिए रेफरेंस चाहिए या किताब अल्लाह का, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, कौलो फेल का, या खुलफाए राशिदीन के अमल का। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन्नवाजिस। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या बना दिया, रब्बानियीन, वलाकिन कूनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब, जो तुम किताब सीखते हो पढ़ते हो और उसकी तदरीस करते हो, वतदरुसूना, इस किताब व तदरीस के नतीजे में तो तुम्हें रब वाला बन जाना चाहिए। इस किताब को तुम डाउनलोड क्यों नहीं कर लेते, मोबाइल पे कर लेते हो, अपने अंदर क्यों नहीं करते। वो इकबाल कहता है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे बाहर की मौजों में इज्तराब नहीं। जब इज्तराब होता है ना, वो सफाई करता है, छलें आती हैं ना तो वो सतह को साफ रखती हैं, गंद बाहर निकल जाता है। यूरोप के जो समंदर हैं वो गदले हैं, वो ग्रीन हो गए हैं, ब्लू समंदर को वो तरसते हैं, इसलिए यहां दौड़ते हैं। तेरे बाहर की मौजों में इज्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू, किताब खां है साहिब किताब नहीं, तू जस्ट रीड मी है, तू इसको डाउनलोड नहीं करता, तू उसको सेव नहीं करता। वलाकिन कूनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, इस किताब की तालीम और तदरीस का नतीजा तो यह निकलना चाहिए मौलवियों कि तुम रब वाले बन जाओ और आगे रब वाले बनाओ, कापियां निकालो। अब यह रब वाला जब बनता है, बंदा सोच बदलती है तो क्या होता है। यह हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ ने इसको रवायत किया और ये मुख्तलिफ सहाबा से मरवी है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से भी, अबी ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है, हदीस कुदसी जो है,
इसके रावी नबी होते हैं। हदीस का रावी कौन होता है? सहाबी होता है। और हदीस कुदसी का रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। आप बताते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मन आदा ली वलीयन, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, फकद आदंतुहु बिल हर्ब, तो मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता। और जब अल्लाह पाक किसी के खिलाफ ऐलान जंग कर दे तो उससे हर वो काम सरजद होता है जो उसे जहन्नम का मुस्तहिक बना देता, उसकी नस्लें खराब हो जाती। अल्लाह ऐलान जंग करते, वमा तकर्रब इलैय अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैय मिम्मा इफ्तरतु अलैह, फराइज से बढ़कर बंदा किसी ऐसी चीज को जरिया नहीं बना सकता कि जो मुझे महबूब हो, फराइज से बढ़कर मेरे तकर्रब के लिए। अल्लाह का तकर्रब चाहिए तो जो नमाज, रोजा, जकात, हज जो फराइज हैं उनको कमा हक्कहू अदा करो, ये तकर्रब की निशानी। वमा यज़ाल अब्दी यतकर्रब इलैय बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बह, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा तकर्रब हासिल करता रहता है यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता। देखिए ये तकर्रब के बाद की मंजिल है, पहले फराइज से तकर्रब, फिर फराइज से उसका जी नहीं भरता, बहाने बहाने से वो फिर रब का दरवाजा जाके खटखटाता, जिससे प्यार हो जाता ना बंदे को। मियां मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में कहा है कि जिन्हें मोहब्बत हो जाती है ना वो भरे हुए घड़े भी उलटकर फिर कुएं पे चली जाती है। बहाना चाहिए ना, भरे हुए घड़े भी आंख बचा के उलट देती है और कहती है पानी लेने जा रही हूं। कहा ये वो लोग हैं जो फर्ज पढ़ के भी तसल्ली नहीं होती, कहते हैं कुछ नहीं बना, घड़ा उलट देते हैं और नफलों में आके खड़े हो जाते हैं। नवाफिल के जरिए मेरा तकर्रब हासिल करते हैं। फैजा अहबब, तो फिर जब मैं उसे प्यार करने लग जाता हूं, क्या बात है। देखें कतरा अगर समंदर से प्यार करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब समंदर कतरे से प्यार करता है तो खींच लेता कि नहीं खींच लेता उसे। जब अल्लाह पाक प्यार करता उसकी नजर उठती है तो वो बंदा सोने की तरह चमकना शुरू हो जाता, उसकी वो एक नजर, सिर्फ एक नजर सारी गंदगी उसकी निकाल के बाहर फेंक देती है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, एक जब वो सजदे में गिरे अल्लाह पाक ने प्यार की एक नजर देखा और उनका सब कुछ वो तब्दील हो गई, सोच रब्बानी हो गई। ये वो नजर है जिसके फरमाया वाला यंदुरु इलैहिम यौमल क़यामा, अल्लाह पाक इनकी तरफ नजर नहीं करेगा। भाई अल्लाह पाक को सब कुछ नजर आता है, उसकी नजर हमारी नजर की तरह नहीं है कि इधर हम डेला फेरेंगे तो नजर आएगा, नहीं घुमाएंगे तो नहीं नजर आएगा। अल्लाह पाक इस तरह नहीं देखता, वो हर सिमत में देखता है। वो तो फरमाया वाला यंदुरु इलैहिम यौमल क़यामत वला युज़क्कीहिम, वो नजर मैं नहीं डालूंगा जो गुनाहों को साफ कर देती है। मोमिन अगर तौहीद वाला हो, तौहीद वाला हो और रब क़यामत के दिन एक नजर उसे देख ले तो उसका सफाया हो जाता है, फॉर्मेट हो जाते हैं गुनाह उसके सारे, अल्लाह पाक अपने जिम्मे ले लेता है उसके सारे चालान। चालान ड्राइवर करता है स्पीड, वो मारता और बाप कहता माफी मुश्किल है, आना इदफा। लेकिन तौहीद वाला हो, ये जो गारंटी दी गई है ना दुनिया में, तो जो भी तौबा कर ले वो पाक कर देता है, ये आखिरत की दी है। इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिह, क़यामत के दिन नहीं बख्शेगा जिसने शिर्क किया। दुनिया में आज तौबा कर ले आज बख्शा जाएगा,
वो क्यामत की बात हो रही है। वह यग़फिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जो भी गुनाह होंगे जिसके चाहेगा बख्श देगा, कोई उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो किसी का हक मार के नहीं जन्नत देगा कि चलो तेरी दो कनाल थी अब इसने भी तौबा कर लिया तो एक नाल काट के इसको दे दो एक नाल, तो मैं नहीं, जिसको भी देगा उसकी अपनी होगी। और वो जो आखिरी बंदा जहन्नम से निकल कर आएगा उसे इस जमीन के 10 गुना अता करेगा, अपने फजल से अता करेगा, मेरी और आपकी काट के नहीं देगा। फ़ाइज़ा अहबब, तो फिर जब मैं उसे प्यार करने लग जाता हूं, कुन तो समअहुल्लज़ी यस्मअउ बिह, फिर मैं उसकी वो समात बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। देखिए सोच बदली हुई ना, तो आंख सोच के ताबे होती है, जुबान सोच के ताबे होती है, कान सोच के ताबे होते हैं। बीवी के बारे में या महबूबा के बारे में आपकी अपनी एक सोच है, कान उसकी जब बात सुनते हैं तो बॉडी का रिएक्शन कोई और होता है, यही कान जब मां की बात सुनते हैं बहन की बात सुनते हैं कोई और रिएक्शन होता है। सोच के ताबे हैं, सोच को पता ये मेरी मां है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है। सोच जब रब वाली हो जाए तो ये सारे जो आजार रखे हैं हमारे इस बॉडी के अंदर वो सारे उसके ताबे हो जाते। प्रिंटर भी, स्कैनर भी, कॉपियर भी एक सॉफ्टवेयर के ताबे होते हैं ना। कमांड आप यहां देते हैं, दूसरे कमरे में प्रिंट निकलना शुरू हो जाता है कि नहीं होता? फरमाया फिर वो सुनता है जो रब चाहता है कि सुने, वो देखता है कि जो रब चाहता है कि देखे, वो बोलता है जो रब चाहता है कि वो बोले, वो पकड़ता है, उसका हाथ उस चीज की तरफ बढ़ता है जिसको रब अलाउ करता है कि वो पकड़े, और उसका कदम उसी तरफ उठता है जिस तरफ उसका रब अलाउ करता है कि वो कदम जाए। कुन तो समअहुल्लज़ी यस्मअउ बिह व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिह, फिर मैं ही उसकी बसारत बन जाता हूं जिससे देखता है, यानी उसकी बसारत मेरे ताबे होती। वयदहुल्लती यब्तशु बिहा, और उसका वो हाथ जो पकड़ता है वो हाथ कभी भी गलत चीज की तरफ नहीं बढ़ता। वमा तरद्दत अन शयइन अना फाइलहु तरद्दुदी अन नफ्स अब्दुल मोमिन, मुझे कभी हचकिचाहट नहीं होती जब मैं कोई काम करने लगता हूं, मैं कभी हेसिटेट नहीं करता, मैं कभी रिलक्टेंट नहीं होता। जैस जितना मैं अपने बंदाए मोमिन को मारते हुए होता हूं जब उसकी मैं जान लेता हूं, तो चूंकि उसे जान निकलने से तकलीफ होती है ना, तो मुझे पता होता है कि इसे एहसास है कि जान निकलते हुए तकलीफ होगी और ये अवॉइड करता है कि मैं ना मरूं, और मुझे नजर आ रहा है कि इसकी बेहतरी मरने में है। अगर मैंने मौत ना लिखी होती हर चीज पर तो मैं बंदे मोमिन को कभी ना मारता। हम जब खतने कराने जाते हैं तो क्या बीतती है हमारे दिल पर जब बच्चे को डॉक्टर के सामने रखते हैं, वो निकालता है कैंचियां सारी, लेकिन मजबूरी है ना, सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं चूंकि मैंने एक सुन्नत बना दिया कि हर एक ने मरना है ताकि साबित हो जाए कि कोई खुदा नहीं है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। मौत इसलिए लिखी है सब पर, जबराइल समेत, इज़राइल समेत, सब पर, कि यह साबित हो जाए कि इनमें कोई भी खुदा नहीं है, मेरी मखलूक है। जिस तरह कभी अकेला था इसी तरह सबको मिटा देगा, जन्नत जहन्नम भी मादूम कर देगा, सिर्फ अकेला होगा, पता नहीं कितनी देर रहे, फिर फैसला फरमाएगा इन सबको रिसाइकल बिन को रीइंस्टेट करने में। यार जब आप चीजें डाउनलोड करते हैं कितने घंटे लगते हैं, कितनी देर लगती है, और जब आप रिसाइकल बिन से उसको रीइंस्टेट करते हैं तो एक क्लिक ही लगती है कि नहीं, पूरा फोल्डर रीइंस्टेट हो जाता है कि नहीं। अब बनाने में मसला हो सकता था, बनाने में जब कोई शक नहीं तो दोबारा उठाने में तुम्हें शक क्यों है? उसने कुन कहना है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकून, उसने एक क्लिक करनी है और तुम अरबों खरबों इंसान जन्नत जहन्नम सब रीइंस्टेट हो जाएगा, फोल्डर जो है जो उसने बर्बाद किया हुआ था दोबारा रीइंस्टेट हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं। तो जब बंदे की जान निकलती है तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मुझे कोई खुशी नहीं होती मोमिन को मार कर, मुझे तरद्दुद होता है किसको तकलीफ होगी, लेकिन मजबूरी है, मैंने कानून बनाया कि सब ने मरना है।
लिहाजा उस तरद्दुद के बावजूद चूंकि बंदे के हक में मौत बेहतर है, रब से उसकी मुलाकात हो जाएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र में ही दीदार हो जाएगा, तो उसके लिए फितनों से बचाव हो जाएगा। हर जमाना आने वाला जो जमाना है वो ज्यादा फितनों से भरा हुआ है। और हुजूर दुआ मांगा करते थे, वाइजा अरदता फी इबादे का फितनतन, वाइजा अरदता फितनतन फी इबादे का फकबिदनी इलैका गैर मफ्तून। अल्लाह पाक जब बंदों में किसी फितने का तो इरादा फरमाए तो मुझे गैर मफ्तून उठा लेना। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله اكبر